Hello and welcome to Lavneesh sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will understand the topic components of food. As you all know, we have discussed other component of food in last worksheets, that is carbohydrates, protein, fat, and now we will discuss vitamins and minerals in this worksheet. So let's start with vitamins. What are the role of vitamins in our body? Yani in vitamins ka hamare body ke liye kya importance hai, kya role hai? So now let's start with vitamins. Though needed in small amounts, vitamins are very important for keeping our body healthy. देखिए, हालांकि थोड़े ही अमाउंट में हमें इनकी ज़रूरत होती है, फिर भी विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ विटामिन ए बी सी डी ई एंड के. देयर आर सिक्स विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के, विच आर बॉडी नीड्स, एंड ईच ऑफ दीज इज फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स एंड हैज अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले फॉर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी. देखिए, जितने भी विटामिन्स हैं इनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये डिफरेंट फूड आइटम्स में हमें मिलते भी हैं, और हर एक का एक स्पेसिफिक रोल होता है हमारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए. तो चलिए अब जानते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है. देयर इज़ अ टेबल गिवन इन विच शोज विटामिन एंड इट्स सोर्स एंड फंक्शंस. फर्स्ट विटामिन इज विटामिन ए. विटामिन ए जो है हमें कैरेट, मैंगो, लिवर, कॉड लीवर ऑयल एंड बटर से हमें मिलता है. यानी इसका सोर्स क्या क्या है जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, कैरेट, मैंगो, लीवर, कॉड लीवर ऑयल एंड बटर. एंड इट फंक्शंस आर गुड फॉर आइज, हेयर एंड स्किन. यानी ये हमारी आइज, हेयर एंड स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. विटामिन बी, विटामिन बी इज़ ऑब्टेनिंग फ्रॉम yeast, meat, fish, milk and green vegetables. यानी देखिए कि विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है, yeast, meat, fish, milk, green vegetables से मिलता है. और इसका फंक्शन क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व्स. जो हमारी मसल्स और नर्व को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाता है और उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ विटामिन सी. विटामिन सी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन, ऑरेंज, आंवला, गोवा एंड टोमेटो. यानी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं या रसदार चीज़ें होती हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है. एंड इट इज़ असेंशियल फॉर आर टीथ एंड गम्स. टीथ एंड गम्स रिमेन्स हेल्दी एंड फॉर रेजिस्टेंस अगेन डिसीजेज. तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे टीथ एंड गम्स को तो हेल्दी रखता ही रखता है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी ये विटामिन सी इम्प्रूव करता है. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल तो कोरोना, COVID-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके लिए हमारे जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये कोरोना हमें इफ़ेक्ट ही ना कर पाए. तो इसलिए डॉक्टर भी आजकल एडवाइस करते हैं विटामिन सी लेने के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है. एंड द विटामिन डी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल एंड एक्सपोजर टू सनलाइट. ये तो बहुत बढ़िया है. जैसे कि आप देखेंगे कि अभी कुछ ही दिनों में सर्दियां आ जाएंगी, तो उन दिनों में आप जब सनलाइट में जाएं, धूप सेकें, तो उससे विटामिन डी बहुत अच्छे अमाउंट में हमें मिल जाता है. एंड इट इज़ असेंशियल फॉर आर बोन्स एंड टीथ्स. बोन्स एंड टीथ बिकम स्ट्रॉन्ग बाय यूजिंग कैल्शियम, क्योंकि विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स.
these are needed by our body in very small amounts. तो ये भी हमारी बॉडी को बहुत कम ही अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज दे हेल्प इन बिल्डिंग अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. तो देखिए, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को बिल्ड करने के काम आते हैं, उनको बनाने के काम आते हैं ये जो मिनरल्स होते हैं, और जो बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको भी ये करवाने में बहुत हेल्पफुल हैं. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट फूड एंड एज वेल एज एनिमल फूड. यानी ये दोनों तरीके के फूड से हमें मिलते हैं, जो प्लांट्स से हम ऑब्टेन करते हैं फूड आइटम वो भी, और जो एनिमल से फूड आइटम ऑब्टेन करते हैं उनसे भी. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स एंड सो एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन मिनरल्स. तो देखिए कि जब ये प्लांट्स सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो एनिमल्स उन्हें खाते हैं, तो एनिमल्स के अंदर भी वो मिनरल्स चले जाते हैं, और फिर जो हमें फूड एनिमल्स से मिलता है उसमें भी मिनरल्स होते हैं. तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि ये मिनरल्स हमें किन सोर्सेज से मिलता है और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. सो हेयर इज अनदर टेबल इज गिवन विच शोज मिनरल्स एंड इट्स सोर्सेज एंड इट्स फंक्शंस. फर्स्ट मिनरल इज कैल्शियम. कैल्शियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड इट्स फंक्शंस आर फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट. तो देखिए क्या होता है कि एक तो ये हमारी बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. अगर हमारा ब्लड बहुत थिन होगा तो क्या होगा कि जैसे ही हमें कोई चोट लगेगी हमारा सारा ब्लड एकदम बाहर बह जाएगा, लेकिन ब्लड में जो थोड़ा सा थिकनेस लाने के लिए वो ये कैल्शियम काम आता है. क्योंकि ब्लड अगर निकलेगा भी, आप देखिए कभी आपको कोई कट लगता है तो उसमें से जब ब्लड निकलता है तो वो तुरंत ही जम जाता है और ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता, तो इसलिए ये कैल्शियम काम में आता है. सेकेंड मिनरल इज़ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मीट फिश एंड एग्स एंड इट्स फंक्शंस आर फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ. हमारे टीथ एंड बोन्स को बहुत अच्छे से बिल्ड करने के लिए फॉस्फोरस इज नीडेड. थर्ड इज आयरन. आयरन जो है वो हमें लिवर मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, और ये मेकिंग ब्लड इन द बॉडी, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में ब्लड बनाने के लिए, क्योंकि बिना ब्लड तो आप समझते हैं कि कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं. और आयरन टैबलेट्स तो आपको याद है कि आपको स्कूल में एवरी वेंसडे को मिलती थी, वो जो ब्लू वाली गोली होती थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से जब हम स्कूल ही नहीं जा पा रहे तो हमें वो आयरन टैबलेट भी नहीं मिल पा रही. तो आप जितने भी फूड आइटम से आयरन मिलता है आप उसे भरपूर मात्रा में खाएं और अपनी बॉडी में आयरन बढ़ाएं, क्योंकि जो ग्रोइंग बॉडी होती है उसके लिए आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड द लास्ट वन इज़ आयोडीन. आयोडीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट. जो हम नमक खाते हैं ना, और जो सी फूड होते हैं उनसे हमें आयोडीन मिलता है, एंड इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ. आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दिमाग के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. लेट अस प्रैक्टिस नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग, दैट इज विटामिन डी. सेकेंड इज अफलिंग द ब्लैंक्स. विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आर डैश एंड डैश हेल्दी. आंसर इज टीथ एंड गम्स. थर्ड क्वेश्चन इज विच मिनरल इज फाउंड इन सी फूड, आयोडीन. फोर्थ इज हाउ कैन हैविंग कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग योर आईसाइट. तो आईसाइट के लिए जो कैरेट्स वो कैसे हेल्प करती हैं, बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन ए एंड विटामिन ए इज वेरी गुड फॉर आईज एंड आईसाइट्स. फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड कैल्शियम. वी नीड कैल्शियम टू कीप आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग. लास्ट क्वेश्चन इज इफ यू ईट फिश मीट एंड गावास विच आर द विटामिन्स यू आर getting from this food, that is vitamin A and vitamin
सी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।